और मैं शाहरुख खान बन जाता हूँ जब से मेरा बेटा आर्यन जेल से छूट कर आया है। हम अपने राबड़ी डेब्यू का फोर बहुमत से सरकार बनाऊंगा। भाई साहब देखे प्यार से मिलोगे, अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारते भाई साहब। मैं नाना पाटेकर कलम अली भाई के चक्कर में। तो दोस्तों आज हमारे पास दो सुपरस्टार यहां पर हैं, एक आंसू बच्चन जो जानते होंगे और खुद ये परिचय दीजिए आप। दोस्तों सुपरस्टार तो बहुत दूर रहता है, हम अपने फैंस के साथ रहते हैं। हमारे भाई ये बिहार से हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, और ये बिहार से आए हैं तो इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी की मिमिक्री करना चाहूंगा। पगड़ा लोग बात करता है, अभी हम थोड़ा सा सरेंडर हो क्योंकि हम जेल के अंदर हो। पगड़ा लोग बात करता है, डट, हम अपने राबड़ी डेब्यू का फोर बहुमत से सरकार बनाऊंगा। हट, आप बोलिए। और दोस्तों देखिए, मेरा नाम आशु बच्चन है, सभी जानते हैं लेकिन तारीफ करते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितनी भी तारीफ है वो उस मालिक की है जिसने हमें पैदा किया। और आशु बच्चन नाम क्यों पड़ा? भाई साहब देखे प्यार से मिलोगे, अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारते भाई साहब, आशु बच्चन आए। अरे लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ खड़ा होने का मौका मिला भाई साहब, और आप लोगों का प्यार है। आए सिराज भाई। अरे क्या, अपना नाम शंकर दादा है और अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस YouTube चैनल का नाम सिराज आंसू बच्चन है। और क्या है, मैं नाना पाटेकर कलम अली भाई के चक्कर में इधर अयोध्या आया था, लेकिन यह भी कलम अली भाई नहीं मिली। लेकिन क्या करूं, एक कलम खरीदूंगा और एक बाईपास बनाऊंगा, दोनों मिलाकर किसी तरीके से कलम अली भाई बनाऊंगा, फिर आप लोगों से मिलूंगा। अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यहाँ पर कल बहुत ज्यादा दिया था और आज कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट बहुत ही अच्छा लगा। दुनिया में बहुत सी जगह देखिए मुझे लोग प्यार से शक्ति कपूर कहते हैं, आओ गन्ना चूस के, लेकिन राम जैसी नगरी आज तक मैंने हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं देखी। मन को सुकून पहुंचता है, आओ रामा। और मैं शाहरुख खान बन जाता हूँ जब से मेरा बेटा आर्यन जेल से छूट कर आया है, तब से मैं भगवान श्री राम की और माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे क्या करूँ यार, बेटा है, गलती कर दिया तो अब क्या कर सकता हूँ मैं। अब जरा साहब, आज मैं अपने घर से अकेला आया हूँ, लेकिन यह आग के नजाकत, यहाँ की रौनक देखकर लगता है कि मैं अपने हेमामान को और अपने बेटे सन्नी देवल कर बॉबी देवल कर लाता तो मजा आ जाता। लगता है हमारे अयोध्या में नए आए हो, प्राण जब भी आता है तो प्राण लेकर जाता है बरखुरदार, लेकिन आज अयोध्या की पावन धरती पर अगर प्राण आया है तो किसी की प्राण लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि प्राण सभी से मोहब्बत करता है। प्राण अब इस धरती पे नहीं रहता, वहां बादलों में इमराज के साथ में रहता हूँ। बस दोस्तों, आए देख दोस्तों, ये मिले थे भाई, हमारे चाहने वाले हैं और हम यहाँ से आए हुए थे अयोध्या में, तो कहने लगे छोटा सा इंटरव्यू हो जाए, तो कोई बात नहीं, चलो इंटरव्यू जैसे कैसे भी हम सो आए और आपके बीच में आए हैं, और अच्छा लगा तो भाई साहब देखे सपोर्ट करिए सबको, भाइयों के ना। और ये जो है ना, ये एक कभी टीवी में देखा करते हैं, लेकिन नसीब है हमारा जो आज हमारे मुंह पे रियल लग रहा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो और मैं हमारी और वीडियो देखनी हो तो हमारे YouTube चैनल का नाम है सिराज आंसू बच्चन। YouTube पर आप सर्च करेंगे सिराज आंसू बच्चन तो हम आपके फोन में धड़क से आ जाएंगे। भैया जी हाँ, मैं आंसू बच्चन हूँ। अगर जो आपको पूरी वीडियो का मजा देखना है तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है, अरे सिराज आंसू बच्चन बोलोगे तो मजा आ जाएगा, खाट पे पढ़ के बेड पे पढ़ के देखना, अब अनूनी वीडियो में दिखाई देगा, कोई शक। ठीक है बहुत दोस्त, इतना अच्छा इन लोग ने दोनों मिलकर मिक्री किए हैं, आज तक ये पहला वीडियो होगा कि अयोध्या में आज इतिहास भी रचा जाएगा, क्योंकि 9 लाख यहां पर कल दीप जलाया गया था, तो आज दो मिक्री मिलकर यहां भी एक इतिहास अयोध्या में रचा जाएगा। और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही है वो सख्त जो कुमार सानू से मिलने गए थे, यही सख्त पूरा आप देख सकते हैं इनकी आवाज। हम अयोध्या में हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा कलर्स टीवी पर भी सिलेक्शन हो गया है, 118 हुनरबाज जिसमें हम दोनों भाई का सिलेक्शन हो गया, बहुत जल्द हम आप लोगों को कलर टीवी पर भी दिखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो रहा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और इन दोनों भाई को भी सपोर्ट कीजिए, और भगवान की कृपा से इनको यहाँ प्लेट भी मिल चुका है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ।
दिखाई, ये देखिए यूएस के तरफ से आया है, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो इन्होंने भाई साहब अमेरिका वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और तो भाई साहब उनका बड़प्पन है। ये हमारा नहीं है, ये आप ही लोगों का है, क्योंकि 101 कलाकार पड़ा है दुनिया में। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि ये पता नहीं किसकी दुआ से किसकी कृपा से हो रहा है आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले अक्रम है, क्योंकि कलाकार सिंगर हम नहीं है कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े को प्रणाम, छोटे को सुख प्यार और माता पिता का आशीर्वाद। मैं बिहारी बाबू हेमराज और आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों।